जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है कमाल की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक फुल डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं एक नॉर्मल सा माइक्रोफोन और एक बोया माइक्रोफोन के बीच में, और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो गाइज, अगर आप ऐसा कुछ वर्क करते हो जिसमें एक माइक्रोफोन आपके लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे कि अगर आप एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हो, या आप ऑनलाइन टीचिंग करते हो, या आप ऐसा जो भी आप वर्क करते हो जिसमें एक माइक्रोफोन के बिना आपका काम हो ही नहीं सकता, या एक अधूरा अधूरा फील होता है, तो उस केस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि गाइज मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, तो उसमें मुझे क्या कभी कभी अपना जो स्क्रीन है, जो पीसी का स्क्रीन है, वो मुझे अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना पड़ता है और उसमें उन लोगों के साथ बात भी करना पड़ता है। तो एक माइक्रोफोन उस टाइम मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अब एक यूट्यूबर भी हो चुका हूँ। अच्छा गाइज, ये सब बात हटाते तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अब चलिए बात करते हैं कि इस दोनों माइक्रोफोन के बीच में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो गाइज, जो सबसे पहला डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो है प्राइस का डिफरेंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ये बोया माइक है, जब आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आप जब चेक करोगे तो इसका प्राइस है 700 से 800 के बीच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी जो ये नॉर्मल सा जो माइक्रोफोन है, इसमें मैं गाइज एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें मैं किसी भी तरह का कोई कंपनी को मैं टारगेट करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसमें मैं सारा जितना भी 100 से लेकर 250 के बीच में जो भी माइक्रोफोन आता है मैं सबको बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसमें आप कुछ भी ऐसा कुछ पर्टिकुलर में आप ऐसा कुछ पर्टिकुलर ब्रांड को आप मत समझिएगा, आप जो भी देखते हैं या 100 से या 250 के बीच में ये सारा यही कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा माइक्रोफोन, तो इसमें जो आपको ये देखने को मिलता है ये आपको 100 से 250 के बीच में आपको आराम से इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका मैंने आपको बता दिया। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है एक प्राइस का, और मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरा जो डिफरेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर का डिफरेंस। इसमें जो बोया माइक में आपको जो वायर दिया जाता है ना, वो 20 फीट का वायर है। जब मैंने इसे अमेज़ोन से बाय किया था तो मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 20 फीट, तो आप इसमें बहुत अच्छा खासा एक वायर मिल जाता है। और इसमें एक नॉर्मल सा यार एक हाथ का आपको वायर देखने को मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कितना इसमें कितना लंबा ये वायर है, तो आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको इसमें कितना बड़ा इसमें वायर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया। गाइस, जो तीसरा डिफरेंस है वो है कनेक्टिविटी का। तो ये आप देख सकते हैं जो ये मेरे पास जो नॉर्मल सा माइक्रोफोन है ना, तो ये इसमें कनेक्टिविटी का इसमें यार बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि जब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपने पीसी के साथ, तो इसको कनेक्ट करने के लिए ना मुझे एक अलग से एक ऑडियो स्प्लिटर बाय करना पड़ा। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कुछ एक ऑडियो स्प्लिटर आपको बाय करना पड़ेगा यहाँ पर। जब तक आप ये ऑडियो स्प्लिटर आप बाय नहीं करोगे तो इससे आपका जो पीसी में है ना, बहुत सारे पीसी में ये आपका कनेक्ट ही नहीं होगा, तो इसके लिए आपको एक ऑडियो स्प्लिटर बाय करना पड़ेगा। और जो कि जो ये बोया माइक्रोफोन है उसमें आपको इजीली जहां पर भी आपका माइक्रोफोन का जैक है आप इसमें प्लग इन करते हो तो आपका एक ही बार में कनेक्ट हो जाता है। सिर्फ आपको सेटिंग से थोड़ा सा चेंजेस करना होगा ऑन या ऑफ का, जो भी है ये आपको थोड़ा सा चेंजेस करके आप इसे इजीली कनेक्ट कर पाओगे। बट जो ये नॉर्मल सा माइक्रोफोन है उसमें आपको एक स्प्लिटर ऐसा आपको बाय करना पड़ता है। और हाँ गाइज, एक बोया माइक में आपको एक सिस्टम देखने को मिलता है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर एक कैमरा और एक स्मार्टफोन का एक ऑप्शन बना हुआ है। तो जब भी अगर आप अपना कैमरा या पीसी से जो भी अगर आपका पीसी या कैमरा से आपको जब कनेक्ट करना है ना, तो ये आपको कैमरा पे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ता है। जब भी आपको स्मार्टफोन में करना है तो आपको स्मार्टफोन में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा, तभी आपका ये वर्क करता है। तो ये एक ही बार में ये पीसी के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। और इसके अंदर में आपको एक छोटा सा आपको बैटरी देखने को मिलता है, कि कभी कभी अगर आपका ये आप ज़्यादा देर तक यूज़ करोगे, और कभी कभी ये जल्दी तो ख़त्म नहीं होता, जब भी अगर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो इसे आपको चेंज करना पड़ता है टाइम के हिसाब से, बट ये जल्दी ख़त्म नहीं होता इसका बैटरी। तो आप ऐसा कभी समझ मत लेना कि यार ये ख़राब हो चुका, आप शायद आपका ये बैटरी ख़त्म हो चुका होगा, ऐसा कुछ आपका सिचुएशन आ सकता है। तो ये सारे केस में आप एक बार बैटरी को भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस दोनों माइक्रोफोन के बीच का साउंड क्वालिटी टेस्ट। ठीक है, और देखते हैं कि किसका साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट है। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे।
अब गाइज आप सैंपल सुनने के बाद आप आइडिया लगा सकते हो, जो बोया माइक है इसमें आपको जो ऑडियो का जो डेप्थ और यहाँ पर आपको जो भारीपन है इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है बोया माइक में। और जो नॉर्मल सा जो माइक्रोफोन है इसमें भी आपको बहुत काफ़ी अच्छा सा आपको एक आउटपुट निकल के आता है दोनों के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं यार इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे आपको जो बोया माइक है ये आपको 700 से 800 के बीच में आपको देखने को मिलता है, और जो ये आपका नॉर्मल सा माइक्रोफोन है ये आपको 100 से 250 के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मतलब कि साउंड क्वालिटी में आपको क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब गाइज अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट पे कि आपको किस माइक्रोफोन के साथ जाना चाहिए। तो गाइज अगर आप ऐसा कुछ वर्क करते हो जिसमें आपका जो माइक्रोफोन का रोल बहुत ही बड़ा है बट आपको ज़्यादा बड़ा आपको वायर नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो आप नॉर्मल सा माइक्रोफोन के साथ जा सकते हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा आप वर्क कर रहे हो जिसमें आपका पीसी का थोड़ा सा, अगर आप स्मार्टफोन से हटकर अगर आप पीसी में जाना चाहते हो और आपका बजट का प्रॉब्लम है तो आप एक नॉर्मल सा माइक्रोफोन बाय करके आप एक स्प्लिटर बाय कर सकते हैं उसके साथ, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो आप अगर आप वो दोनों बाय कर लेते हो तो आपको कम ही प्राइस में आपको अच्छा सा आपने आउटपुट तो सुन ही लिया होगा, तो आपको एक अच्छा खासा आपको एक माइक्रोफोन मिल जाएगा। और वहीं पे अगर मैं बोया माइक की बात करूँ तो आपको किस लोगों के लिए बोया माइक सबसे बेस्ट है, तो इसमें आपको है ना जो ये वायर है ना आपको बहुत ही लंबा आपको देखने को मिलता है। तो इसमें अगर आप ऐसा कोई पर्सन हो जो आप दूर से अपना वीडियो शूट करते हो या आप ऐसा कुछ वर्क करते हो थोड़ा सा डिस्टेंस वीडियो में डिस्टेंस में आपको रखना पड़ता है अपना कैमरा, जैसे कि मैंने आप ही रखा हुआ है, इतना तो इसमें लेंथ है नहीं जो मैंने आपको दिखाया था, ये नॉर्मल सा माइक्रोफोन उसमें इतना बड़ा लेंथ नहीं है, तो इस कारण मैंने एक बोया माइक लिया है। और इसका एक और मेन रीज़न है जो मैंने बोया माइक यूज़ कर रहा हूँ इसका, ये मेरे पीसी में ना कनेक्ट नहीं होता ठीक से, जो नॉर्मल सा माइक्रोफोन मैंने आपको बताया था उसके लिए मुझे एक अलग से स्प्लिटर बार बार यूज़ करना पड़ता था, तो उसमें मुझे बहुत इरिटेशन फील होता था, ये सब मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा ही एक माइक्रोफोन खोज रहा था जिसमें मुझे एक ही बार में प्लग किया और मेरा काम स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए मैंने बोया माइक मैंने बाय किया। इसमें मुझे किसी भी तरह का स्प्लिटर का यूज़ नहीं करना पड़ता, एक बार में मैं अपना पीसी पे लगाता हूँ और अपना मैं काम कर सकता हूँ। तो यही है गाइस, इसमें कुछ बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, आपको जो साउंड क्वालिटी है मैंने आपको सुना दिया, दोनों में आपको लगभग सेम ही देखने को मिलता है, बट जो बोया माइक इसमें आपको थोड़ा सा डेप्थ और जो आपका जो भारीपन है ना आवाज़ का इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है और आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो यार आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके आप मुझे भी थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।